हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो रोटेट के बारे में, जैसे कि हम ऑटो रोटेट सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और ये देखिए ऑटो रोटेट, तो इस पर आपको क्लिक करना है और ऑन करना है। ऑन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि हमने यूट्यूब ओपन कर लिया, यूट्यूब ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हम इसे कैसे रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए आपका इस तरीके से हो रहा है, तो हम इसे कैसे रोटेट कर सकते हैं ये देखिए। जैसे कि हम फ़ोन को इस तरीके से कर देंगे और ये हमारा रोटेट हो जाएगा। ये देखिए रोटेट हो चुका। इस तरीके से आप भी रोटेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इसको ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है और आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आपको यहाँ पर क्या सर्च करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो रोटेट, तो यहाँ पर शो हो जाएगा ऑटो रोटेट। शो होने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। ऑन करेंगे, ऑन करने यूज़ कर सकते हैं, ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।